नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अबाउट, और हम जानेंगे अबाउट के बारे में, इसका यूज़ इंग्लिश में किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, जो अबाउट का जो सबसे पहला यूज़ है वो किया जाता है के बारे में या के संबंध में, के संबंध में। जब भी हिंदी का सेंटेंस आए कि उसके बारे में या के संबंध में, तब हम अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो अब सेंटेंस बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक। आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक। दूसरा सेंटेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट। आप इस इंसिडेंस के बारे में क्या जानते हैं, तो हिंदी में जब मैं बोल रहा हूँ कि इस इंसिडेंस के बारे में क्या जानते हैं, तो के बारे में, यहाँ पे देखिए के बारे में आया या कि के संबंध में आया, तब हम अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तीसरा, ही हैज़ डाउट अबाउट योर ऑनेस्टी, ठीक है, ही हैज डाउट अबाउट योर ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी के संबंध में उसे क्या है, डाउट है। तो के संबंध में या के बारे में जब भी आएगा तो आपको अबाउट प्रपोजिशन का यूज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अबाउट प्रपोजिशन या अबाउट का जो यूज होता है वो हम करते हैं लगभग के सेंस में, ठीक है, किसके में, लगभग। ध्यान से देखिए यहाँ पे, लगभग के सेंस में भी अबाउट का यूज किया जाता है, जैसे कि इट इज अबाउट 8 o'clock, अभी कितना बजा है, तो अभी लगभग 8 बजा है, ठीक है। द स्कूल इज अबाउट 10 kilometers फ्रॉम माय होम, जो स्कूल है वो लगभग कितना है, तो 10 kilometers है मेरे घर से। तो यहाँ पे बात किसकी हुई, यहाँ पे अबाउट आए किसको डिनोट कर रहा है, लगभग, जब हम एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं, लगभग, ठीक है। तो जब भी लगभग होगा तब भी हमें अबाउट प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। चलिए एक और देखते हैं अबाउट का यूज। तो जो अबाउट का अगला यूज है वो आता है जब हम इन्फिनिटिव यानी टू का यूज करते हैं, यानी जब क्या किसका इन्फिनिटिव यूज करेंगे, जहां पे हम टू प्लस वर्ब की क्या ले लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे और साथ में रहेगा अबाउट। तो ये क्या करता है, ये इमीडिएट एक्शन दिखाता है। इमीडिएट एक्शन मतलब जो त्वरित काम होने वाला है उसको दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर हिंदी का एक सेंटेंस लूँ, वह मरने ही वाला है, वो आने ही वाला है, वह जाने ही वाली है, तो यहाँ पे क्या है, काम कुछ होने वाला है, बिल्कुल अभी इमीडिएट एक्शन होने वाला है। तो इस सेंस में हम अबाउट का यूज करेंगे और उसके साथ हम टू प्रपोजिशन लगाएंगे, जैसे कि ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, वो क्या है, वह मरने ही वाला है, ठीक है, वो क्या है, मरने ही वाला है, मरने ही वाला है, वह मरने ही वाला है, कोई काम हो रहा है यहाँ पे, होने वाला है। तो हमने किसके साथ लिया, अबाउट के साथ टू इन्फिनिटिव लगाया है और यहाँ पे सेंटेंस का सेंस टोटली चेंज हो चुका है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही इज अबाउट टू कम, अबाउट टू कम, तो यहाँ पे देखिए वह क्या है, आने ही वाला है, वह आने ही वाला है, मतलब कोई काम इमीडिएट
काम हो रहा है, इमीडिएट एक्शन हो रहा है जिसमें हमारा काम तुरंत होने ही वाला है। तो दोस्तों ये थे अबाउट के यूज़, जिसमें सबसे पहला होगा जहां हम अबाउट का यूज़ करेंगे के बारे में या के संबंध में, जब हिंदी का सेंटेंस आता है तब, और वहां पे जब हम इंग्लिश का सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो अबाउट का यूज़ करेंगे। दूसरा इसका मतलब होता है लगभग के सेंस में, और जब इसमें इन्फिनिटिव टू का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर ये इमीडिएट एक्शन को दिखाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होगी। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।